नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन और आप सभी का स्वागत है SS Autoworld इस YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल में हम बात करते हैं अलग अलग कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में। तो आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर जो Aftek Motors के तरफ से है। Aftek Motors एक इंडियन कंपनी है जो स्कूटर्स और बाइक्स बनाती है। इसकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ELMO City Star जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बावजूद जो इसका डिज़ाइन बना है Aftek Motors ने, बहुत ही बढ़िया बनाया है। कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिज़ाइन होता है बहुत ही बेसिक होता है। इसका जो डिज़ाइन है एकदम एरोडायनामिक और जो लाइन और क्रीसेज जो बनाई है इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं ELMO City Star के बारे में कि इसकी ड्राइव रेंज कितनी है, हाई स्पीड कितना है, कितने सारे मोड्स है, बैटरी की पावर कितनी है, मोटर की पावर कितनी है और इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं Aftek ELMO City Star के बारे में। तो मैंने जैसे बताया कि डिज़ाइन तो बहुत ही बेहतरीन एक एरोडायनामिक डिज़ाइन बनाया है। इस बाइक का जो डिज़ाइन है और इन्हांस हुआ है इसके टायर्स के वजह से, व्हील्स के वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो व्हील्स प्रोवाइड किए हैं आगे में आपको 16 इंच का व्हील्स प्रोवाइड किया है विद डिस्क ब्रेक। टायर में आपको 14 इंच का व्हील प्रोवाइड किया है विद डिस्क ब्रेक, मतलब आपको फ्रंट और रियर में दोनों जगह पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस मॉडल के साथ। जनरली जो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल बोल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बनाया है। इस तरीके का जो ग्रैब हैंडल है अपने पेट्रोल बाइक में भी देखने को नहीं मिलता है। तो डिज़ाइन के लिए मेरे तरफ से 4 out of 5 स्टार। फ्रंट लुक की बात करते हैं तो कंपनी ने फ्रंट में भी एक अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया है, हल्का सा रेट्रो लुक दिया है बोल सकते हैं, बट ओवरऑल गुड डिज़ाइन है फ्रंट में भी। और एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और एक बड़ा लार्ज व्हील देने के बाद बढ़िया तरीके से फ्रंट से भी ये लग रही है। रियर डिज़ाइन की बात करते हैं तो रियर का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी तरह से एक नीट क्लीन आप बोल सकते हैं उस तरीके से बनाया है। जो LED लाइट है आपको टेल लाइट में मिल जाती है, एक अच्छा डिज़ाइन रियर से भी बनाया है। दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं Aftek Motors ELMO City Star के बारे में। तो जो मोटर आती है 72 वोल्ट 3000 वैट की मोटर आ जाती है। तो एक पावरफुल मोटर है इस मॉडल के साथ। 72 वोल्ट की जो मोटर है जो आज के डेट में जो इलेक्ट्रिक बाइक है सबसे फेमस उसमें लगी हुई है। इसके बाद बैटरी की बात करते हैं तो 60 वोल्ट की आपको बैटरी मिल जाती है इसके अंदर। जो ये जो सीट है इसके अंदर प्लेस है। तो ओवरऑल जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो अच्छी पावर के साथ ये बाइक आ जाती है। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में इसका जो बैटरी है शायद अपग्रेड भी हो सकता है। इस मॉडल के साथ आपको दो मोड मिल जाते हैं जो यहाँ से आपको ऑपरेट करना है, 1 and 2 जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ से जो इसका फर्स्ट मोड है वो इको मोड आप बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम 35 की स्पीड आपको मिल जाती है। और मैक्सिमम जो सेकेंड मोड है जिसमें आपको 75 की स्पीड मिल जाती है। बट आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे ड्राइव रेंज कम हो जाती है। तो 75 के स्पीड में आपको 60 के आसपास रेंज मिल जाएगी ड्राइव रेंज, और 35 में आपको 90 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो चार्जिंग टाइम यहाँ पे जो कंपनी ने बताया है 2 to 3 hours का चार्जिंग टाइम इसमें लगता है। जो लिथियम आयन की बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड किए है कंपनी ने। दोस्तों चार्जिंग की बात हो रही है तो चार्जर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, चार्जर किस तरह से यहाँ पे लगाना है। जो सीट के नीचे जो चार्जर का सॉकेट है यहाँ पे लगाना है, और नज़दीक वाले आपके घर पे पार्किंग में जिधर भी आपको जो मोबाइल चार्जर या सादा जो सॉकेट रहता है उसी तरह से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सीट के नीचे जो बैटरी है उसको आप निकाल के घर पे लेके जाके भी चार्ज कर सकते हैं, और आप पार्किंग में भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कि आपको 2-way ऑप्शन मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए। दोस्तों हमने Aftek Motors की ELMO City Star इस स्कूटर के बारे में
हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ ली है, बट इसकी जो ऑनरोड कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 93,000 इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है। इसमें आपको RTO चार्जेस और बाकी सारे चार्जेस आपको अलग पे करने पड़ते हैं, तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली टोटल कॉस्ट है करीबन 97,000 98,000 के आसपास आपको आ सकती है। अभी तक इस मॉडल के साथ कंपनी ने जो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की वो अभी तक मिल नहीं रही है, शायद आने वाले कुछ दिनों में इसमें इसके ऊपर जो सब्सिडी है वो भी मिल जाएगी। इसके बाद इसकी जो कॉस्ट है हल्की सी कम हो सकती है, 10,000 के आसपास कम हो सकती है, तो एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों आप यहाँ पर थोड़े से गौर करोगे तो अफटेक मोटर्स कंपनी की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जो मोटर आती है हल्की सी अलग है, क्योंकि जनरली क्या होता है जो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें रियर व्हील में आपको हब मोटर मिल जाती है, बट इसकी जो मोटर है हल्की सी अलग है जो अलग तरीके से काम करती है, तो एक अच्छी चीज़ है। देखने के बाद बहुत ही अलग लग रहा है, आपको कहीं से भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका फील नहीं आता। तो दोस्तों रिकमेंडेशन की बात करते हैं अफटेक मोटर्स ELMO City Star इस स्कूटर के बारे में, तो आपको इसमें क्या क्या मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली आप एक 97-98,000 पे करते हैं आज के डेट में, तो आपको एक बड़ी व्हील्स की जो ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स के साथ आपको एक स्कूटर मिलती है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर पर चार्ज है और चार्जिंग टाइम भी 2 to 3 hours है। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन की बात करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पैकेज है आपको इस मॉडल के साथ इस प्राइस रेंज में, तो आप डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं स्टाइलिश विथ ऑल फीचर्स के साथ, ऑल बेसिक फीचर्स के साथ, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, आप डेफिनेटली इस मॉडल के साथ जा सकते हैं। बट आप कुछ दिन वेट कर सकते हो तो वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आने वाले कुछ दिन में शायद सब्सिडी भी मिल जा सकती है। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो आपको एक सेमी डिजिटल फॉर्म में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर अभी तक कितनी किलोमीटर चली है तो 84 किलोमीटर अभी तक ये चली है, यहाँ पे बैटरी की रेंज बता रही है कितना चार्ज है बैटरी, और यहाँ पे FD मोटर्स का लोगो आपको मिल जाता है। तो एक बेसिक आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इस मॉडल के साथ। हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम हेडलाइट का मिल जाता है, उसी को आप पास स्विच करके काम कर सकते हैं, इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ राइट हैंड साइड हैंडल बार की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेलेटर एक मिल जाता है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चालू कर सकते हैं व्हीकल को, तो ये सारी चीज़ें आपको हैंडल बार पे मिल जाती है। दोस्तों इस मॉडल के साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इस मॉडल का बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसका जो चेसी फ्रेम वगैरह आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है, मोटर की क्वालिटी केबल की क्वालिटी एक बेहतरीन मॉडल के साथ आ जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं केबल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, तो ओवरऑल मटेरियल की बात करते हैं तो कंपनी ने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो आप इस मॉडल के साथ जा सकते हैं। आप स्टाइलिश स्कूटर लेना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिक में है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।